हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज का फर्स्ट वीडियो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है वो मैंने समझाई थी। जनरल एंट्रीज के लिए कैसे रूलिंग की जाती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हूँ, आप लोग एक बार जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए, सो दैट ये सब समझने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। सो स्टूडेंट्स, लेट गेट स्टार्टेड विथ अवर टुडेज़ प्रॉब्लम। देखिए, इसका जो क्वेश्चन है, आज का जो सम सम सॉल्व कर रहे हैं उसका जो क्वेश्चन है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म पे दी हूँ, आप वहाँ जाके क्वेश्चन रेफर करते हुए ही सम सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इन द वेरियस एंड प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कोई पर्सन का नाम दिया हुआ है क्या, वो हम लोग पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो नहीं, यहाँ पे हमको फिलहाल किसके बुक में जनरल एंट्री पास करना है वो गिवन नहीं है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, हम यहाँ ऊपर लिख देंगे जर्नल एंट्रीज। अगर हमें यहाँ पर नाम पता होता तो हम लिखते जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी पर्सन होता उस पर्सन का नाम हम वहाँ शो करते कि किसके बुक में आप लोग जर्नल एंट्री पास कर रहे हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो देखना है वो है रूलिंग। रूलिंग के बारे में मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट कॉलम हमेशा होता है डेट, नेक्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, उसके बाद होता है लेजर फोलियो दैट मीन्स एल ऑब्लिक एफ, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। मैं आपको बार बार क्लासेस में भी ये बात बताती हूँ कि अकाउंट्स में रूलिंग प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, तो रूलिंग को इग्नोर नहीं करना है, रूलिंग प्रॉपर रूलिंग करके ही सम सॉल्व करने बैठना है। देखिए फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन पोर्शन था मैं ऑलरेडी आपको लास्ट इसमें दे चुकी हूँ क्लास में। तो अब इसका जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट जनवरी 2012 को यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डेट लिख लेती हूँ, फर्स्ट जैन 2012। क्या ट्रांजेक्शन था, मिस्टर पवार कमेंस बिजनेस विथ 1,50,000। मिस्टर पवार का ये बिजनेस है, मतलब जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पवार लिख सकते हो या मत लिखिए, सिर्फ इतना ही लिखिए जर्नल एंट्रीज में। उसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन बताया है कि मिस्टर पवार ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,50,000 में। अब जब 1,50,000 में वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो बिजनेस में 1,50,000 रुपीज लेके आ रहा है। तो जब भी बिजनेस में पैसा आता है, दैट मीन्स रियल अकाउंट का रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा होगा कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश इज कमिंग इन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में आपके पैसा आया, बिजनेस में लगाए हुए पैसे को हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, कितना पैसा लेके आया, वो लेके आया है 1,50,000 रुपीज़, तो डेबिट में, और क्रेडिट में आप लिख दोगे 1,50,000। इसके नीचे नरेशन ज़रूर लिखना, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। इसके नरेशन जब भी लिखते हैं तो उसके नीचे लाइन खींच दिया जाता है, सिर्फ नरेशन के नीचे, दैट मीन्स हमारा नरेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज बॉट गुड्स फॉर कैश 25,000। सेकेंड ऑफ जैन को उसने गुड्स परचेज किया 25,000 के। जब आप गुड्स परचेज करते हो, सबसे पहले तो मैं डेट लिख देती हूँ, सेकेंड जैन 2012, आपने गुड्स परचेज किए हो 25,000 रुपीस के, दैट मीन गुड्स आर कमिंग इन। गुड्स के लिए भी रियल अकाउंट का रूल लगता है स्टूडेंट्स, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स आर कमिंग इन, तो आप लिखोगे परचेसेस अकाउंट डेबिट, आप परचेसेस या गुड्स भी लिख सकते हो, कोई भी, दोनों भी केस में गलत कुछ नहीं है, गुड्स अकाउंट डेबिट टू। जब आप कुछ चीज़ परचेस कर रहे हो तो आपके पास से डेफिनेटली कैश आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि ये ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है, तो कैश इज गोइंग आउट, तो यहाँ पे लिखोगे कैश अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट। कितने के गुड्स खरीदे स्टूडेंट्स, हमने गुड्स खरीदे हैं 25,000 रुपीज़ के, तो 25,000 लिख देंगे अमाउंट कॉलम में। नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, या बीइंग गुड्स परचेज भी लिखोगे तो दैट विल ऑल्सो बी सफिशिएंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट,
बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश. अब ऑफिस फर्नीचर हमने परचेस करे कैश में, दैट मीन्स 5,000 rupees पे करके. डेट क्या है? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 3rd January 2012. ऑफिस फर्नीचर, अब हमें यहाँ पे पता है कि हम कौन सा गुड्स खरीद रहे हैं, तो अब हमको फर्नीचर पता है, तो आप यहाँ लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज अगेन फर्नीचर को भी रियल अकाउंट का रूल लगता है. डेबिट वर्ड कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट. कैश में खरीदे कि क्रेडिट में खरीदे? कैश में खरीदा हुआ है तो डायरेक्ट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में खरीदे दैट मीन्स आपके पास से कैश गई. कितने के फर्नीचर खरीदे? 5,000 rupees के, तो अमाउंट कॉलम में हमने लिख दिए 5,000. नरेशन में लिखोगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड. स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो सारे ट्रांजेक्शन है ये बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी हमारा क्लास में 2 बार डिस्कस हो चुका है, इसीलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. बट स्टिल अगर आप में से किसी को कोई भी ट्रांजेक्शन में डाउट है या आप लोग को समझ में नहीं आया है, क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आपको रिप्लाई करूँगी. नेक्स्ट इज पेड फॉर पोस्टेज. पोस्टेज खरीदे हमने 10 rupees का, कितने किस डेट को खरीदे? 4th of January को. अगेन आप पोस्टेज खरीद रहे हो तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, तो पोस्टेज अकाउंट को करोगे डेबिट. नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो पोस्टेज अकाउंट को करोगे डेबिट, आपके पास से कैश जाएगी, कैश अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट 10 rupees. बींग पोस्ट, नरेशन लिखना जरूरी है, नरेशन में मार्क्स होते हैं, अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कर देंगे. बींग पोस्टेज पेड. नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम कुमार सोनू 20,000. हमने कुमार सोनू से 20,000 के गुड्स परचेज किए. स्टूडेंट अभी देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि आपने कैश में परचेज किए, राइट? तो हमें ये अज्यूम करके चलना है कि हमें अगर वहाँ पे पर्सन का नाम दिया हुआ है कि किससे आप परचेज कर रहे हो या किसी को परचेज सेल कर रहे हो, तो वहाँ केस में अगर आपको नाम के साथ साथ कैश वर्ड नहीं दिया है, दैट मीन्स वो जो परचेज या सेल का ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट में हुआ है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे अभी लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम कुमार सोनू, कुमार सोनू से आपने गुड्स परचेज करे हो 20,000 के, दैट मीन्स यहाँ पे आपने क्रेडिट में ये ट्रांजेक्शन हुआ है, तो एंट्री क्या होगी? किस डेट को परचेज करे हो? 5th of January को. सबसे पहले मैं डेट लिखूंगी 5th January 2012. परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही, आप क्रेडिट में करो या कैश में करो, परचेज अकाउंट डेबिट होना ही है 20,000 से. अब अगर आप कैश में करते स्टूडेंट्स, तो आप परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते बिकॉज कैश चले जाती, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं जा रही है, यहाँ पे फ्यूचर में कैश पे करना है. किसको पे करना है? कुमार सोनू को. तो आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कुमार सोनू अकाउंट. अब कुमार सोनू को हमने क्रेडिट क्यों करे? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. और एक रूल है डेबिट फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू हुम मनी इज पेएबल. तो फ्यूचर में आपको ये पैसा कुमार सोनू को पे करना है, इसीलिए हमने कुमार सोनू को करे क्रेडिट. क्या रूल लगाए? डेबिट फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू हुम मनी इज पेएबल. कुमार सोनू को पेएबल है ये अमाउंट, इसलिए कुमार सोनू अकाउंट को किए हमने क्रेडिट. नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट. यहाँ पे जगह की कमी होने के कारण मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, बट आप लोग लिखते समय अच्छे से फुल लिखिए. नेक्स्ट इज 7th of January को हमने गुड्स बेचे 15,000 में, गुड सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000 7th January 2012. गुड्स बेच रहे हो, जब भी हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा और हमारे पास से गुड्स जाएंगे, तो कैश इज कमिंग इन, इसलिए कैश अकाउंट को करोगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. जब परचेज किए थे तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किए थे, जब सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट को करोगे क्रेडिट. कितने में बेचे हमने ये गुड्स? हमने बेचे 15,000 में, तो अमाउंट कॉलम में लिख दोगे 15,000. ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको रियल नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट का रूल क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वो क्लियर है तो आपकी कभी भी जनरल एंट्रीज गलत नहीं होगी. नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड. नेक्स्ट
दैट इज 8th of Jan. 8th of Jan को हमने क्या किए, बॉट गुड्स फ्रॉम सुभाष. अब आपने सुभाष से गुड्स परचेस किए, अगेन कैश है नहीं पता है, दैट मीन्स ये क्रेडिट होगा. तो नरेशन लिखोगे, सॉरी एंट्री डालोगे 8th Jan 2012, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट. परचेस अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट में परचेस कर रहे हो, आपने परचेस अकाउंट को करोगे डेबिट, सुभाष अकाउंट को करोगे क्रेडिट. कितने के गुड्स खरीदे थे, 4000 के. मैं अमाउंट कॉलम में लिख दूंगी 4000 रुपीज. नरेशन विल बी बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम सुभाष, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुभाष. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी ऑन 9th Jan 2012 में क्या ट्रांजेक्शन दिया है, सोल्ड गुड्स टू योगेश, योगेश को गुड्स बेचे. अब यहाँ पे अगेन जिसको बेच रहे हैं उसका नाम हमें पता है, दैट मीन्स हमने ये जो सेल किए हैं ये कैश सेल्स नहीं है, ये क्रेडिट सेल्स है, ठीक है. तो डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड, रिसीवर ऑफ द गुड इज योगेश. तो आप करोगे योगेश अकाउंट को डेबिट, योगेश अकाउंट को डेबिट, और आपके पास से क्या गए, गुड्स गए, दैट मीन्स सेल्स अकाउंट को करोगे क्रेडिट. कितने के गुड्स बेचे हमने योगेश को, 4000 रुपीज के. तो यहाँ पे आप एंट्री पास कर दोगे 4000 रुपीज, ठीक है. नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट या बीइंग गुड्स सोल्ड टू योगेश, ये इस तरह से इसकी पोस्टिंग की जाती है. नेक्स्ट यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन दिया है वो है गुड्स सोल्ड टू नीलेश, गुड्स सोल्ड टू नीलेश. अगेन सेम एंट्री आएगी, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अभी मैं रूलिंग नहीं कर रही हूँ फिलहाल, जगह कम होने के कारण. डेट है 10th Jan 2012, आपको रूलिंग करना है प्रॉपर, नहीं तो रुको मैं कर ही देती हूँ, अदरवाइज आप लोग भी गड़बड़ करेंगे. टेंथ जैन को हमने क्या किया, हमने नीलेश को गुड्स बेच दिए 4000 के, फटाफट एंट्री कर लेते हैं, गुड्स सेल कर दिए, नीलेश को बेचे, नीलेश इज द रिसीवर. तो नीलेश अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 4000. नरेशन लिख देना बीइंग गुड्स सोल्ड टू नीलेश, ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 11th, परचेज गुड्स फॉर कैश. अगेन यहाँ परचेज की एंट्री है, 11th Jan 2012, परचेज करे कैश में. तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितने के गुड्स परचेज किए हमने कैश में, 3000 के. तो यहाँ आप लिख दोगे 3000 रुपीज. नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश. नेक्स्ट इज received cash from Nilesh 3500. अब Nilesh को हमने 4000 रुपीज में goods बेचे थे, लेकिन उससे हमको cash मिल गई है 3500 रुपीज. लेकिन उसके साथ साथ नीचे transactions में देखना है कि बचे हुए 500 की कहीं कोई entry दिखाई दे रही है क्या. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी एंट्री उसकी नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें सिर्फ डायरेक्ट वही दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट है, फाइनल सेटलमेंट है, ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं दिया है. दैट मीन्स 4000 के गुड्स हमने जो नीलेश को बेचे थे उसमें से हमको 3500 कैश मिल चुकी है. किस डेट को, 13th Jan को. तो आप यहाँ लिखोगे 13th Jan 2012 कैश मिल रही है, दैट मीन्स कैश इज कमिंग इन. तो कैश अकाउंट को करोगे डेबिट टू नीलेश अकाउंट, नीलेश अकाउंट को करोगे क्रेडिट, क्योंकि रिसीवर, सॉरी गिवर ऑफ द गुड्स क्या है, नीलेश है. तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो नीलेश हमको पैसा दे रहा है, इसलिए नीलेश अकाउंट को करोगे क्रेडिट. कितना पैसा मिल रहा है, 3500 रुपीज. नरेशन लिखोगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नीलेश. नेक्स्ट इज पेड कैश टू सुभाष. अब हमने सुभाष को पे कर दिए कैश 2500. अब जब हमारे पास कैश आई थी तो हमने, ये कौन सी डेट है, 15th, जब हमारे पास कैश आई थी तो हमने कैश को किए थे डेबिट. अब हमारे पास से कैश जाएगी, कैश अकाउंट को करोगे क्रेडिट. हु इज द रिसीवर ऑफ द कैश, सुभाष. तो सुभाष अकाउंट को करोगे डेबिट, सुभाष अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, कितनी कैश पे कर दिए हमने सुभाष को? हमने सुभाष को पे कर दिए 2,500 रुपीज। नेशनल लिखोगे बीइंग कैश पेड टू सुभाष, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटर्न गुड्स टू कुमार सोनू 4,000। हमने कुमार सोनू से जो गुड्स परचेज किए थे उसमें से हमने कुछ गुड्स उसको वापस कर दिए। सबसे पहले देखो कि कुमार सोनू से आपने कितने के गुड्स परचेज किए थे। आपने परचेज किए थे 20,000 के। अब आप उसको 17th of Jan को 4,000 के गुड्स वापस कर रहे हो। तो जब आपने परचेज किए थे तो आपके पास गुड्स आए थे, तो आपने परचेस अकाउंट को डेबिट किए थे और कुमार सोनू को क्रेडिट। अब कुमार सोनू रिसीवर ऑफ द गुड है, इसलिए कुमार सोनू को करोगे डेबिट। कुमार सोनू अकाउंट डेबिट। और आप क्या कर रहे हो, आपने जो परचेस किए थे वो उसको वापस कर रहे हो, तो एंट्री होगी टू परचेस रिटर्न अकाउंट। कितने के गुड्स वापस कर दिए? 4,000 के। तो यहां पे अमाउंट कॉलम में लिख दोगे 4,000। जस्ट अपोजिट एंट्री होती है परचेस से। परचेस की एंट्री थी परचेस अकाउंट डेबिट टू कुमार सोनू अकाउंट। जब रिटर्न करोगे तो लिखोगे कुमार सोनू अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 4,000। नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू कुमार सोनू। नेक्स्ट योगेश रिटर्न गुड्स 200। अब योगेश ने हमको 200 के वापस कर दिया। सबसे पहले देखो योगेश की एंट्री कहाँ है, 9th Jan में एंट्री थी। 9th Jan में हमने योगेश को 4,000 के गुड्स बेचे थे। अब योगेश ने क्या किया, उसमें से 200 के गुड्स हमको वापस कर दिया। तो अब हमारे पास गुड्स वापस आ रहे हैं, तो हम एंट्री करेंगे। डेट देख लेते हैं पहले क्या है, 20th Jan गुड्स वापस आ गए, सेल किया हुआ वापस आया, इसलिए उसको लिखते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू योगेश अकाउंट। क्योंकि गिवर कौन है, कौन वापस कर रहा है हमें, योगेश ये गुड्स वापस कर रहा है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को करोगे डेबिट, क्योंकि वापस हमारे पास आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए सेल्स रिटर्न को करोगे डेबिट और योगेश अकाउंट को करोगे क्रेडिट। कितने के गुड्स वापस आ गए हमारे पास, 200 रुपीज के। तो यहाँ लिख दोगे 200। नेशनल में लिखोगे बींग सेल्स रिटर्न बाय योगेश। नेक्स्ट सोल गुड्स फॉर कैश, डेट इज 25th of Jan। ये तो सिंपल एंट्रीज है, इसकी बहुत सारी हमने पोस्टिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। सेम सम में सोल गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स बेचे तो कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट को करोगे डेबिट और सेल्स अकाउंट को करोगे क्रेडिट। कितने में गुड्स सेल किए थे हमने, 50 रुपीज में। तो यहाँ पे लिख दोगे 50। नरेशन लिखोगे बींग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट पवार विड्रू फॉर पर्सनल यूज, देखिए अब ये एक कुछ नई एंट्री आई है, पवार विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज 1,500। हमने नहीं, विड्रू फॉर पर्सनल यूज यानी वहां पे गुड्स नहीं लिखा हुआ है, मतलब उसने बिजनेस में से, पवार ने, ये पवार का बिजनेस था और पवार ने बिजनेस में से 1,500 रुपीज पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, ठीक है। तो कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट, जब वो विड्रू कर रहा है दैट मीन्स पैसे जा रहे हैं। जब पैसे बिजनेस में आए थे तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट किए थे, अब आपके पास से कैश जारी है तो ये बात पक्की है कि यहाँ पे आपको कैश अकाउंट को करना है क्रेडिट। तो डेबिट किसको करना है, जब भी हम पर्सनल यूज के लिए कैश लेके जाते हैं या गुड्स लेके जाते हैं तो डेबिट हमेशा किया जाता है ड्रॉइंग्स अकाउंट को, ये याद रखिएगा सब जन। अगर आप गुड्स विड्रू कर रहे हो या आप कैश विड्रू कर रहे हो तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ही हमेशा डेबिट होगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट पर्सनल यूज के लिए अगर लेके जाते हैं तो हम ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगर कैश लेके जा रहे हो इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किए, अगर गुड्स लेके जाते तो यहाँ पे हम गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार सम्स में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स बीइंग कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 27th Jan को हमने स्टेशनरी के लिए खर्चा किए, कितना अमाउंट, 800 रुपीज। 27th of Jan को हमने स्टेशनरी परचेज किए, ठीक है। स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, क्योंकि एक बार आप उसको यूज करते हो और उसके बाद उसको रीयूज हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए कंज्यूमेबल गुड्स के ऊपर जो खर्चा करते हो दैट विल ऑलवेज नोन एज एक्सपेंसेस। तो आप यहाँ पे एंट्री पास करोगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट
स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की स्टेशनरी परचेस की आपने? 800 रुपीस की। यहाँ पे अमाउंट कॉलम में लिख दोगे 800, नरेशन में लिखोगे बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी, बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी। नेक्स्ट इज 28th of Jan, 28th of Jan को हमने क्या किए? रेंट पे किए, पेड रेंट ₹225। रेंट पे कर रहे हो, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आप यहां करोगे रेंट अकाउंट को डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रेंट पे कर दिए? 225। नरेशन में लिखोगे बीइंग रेंट पेड, राइट। अब आज के सम्स की लास्ट ट्रांजेक्शन क्या था? 31st Jan को हमने कमीशन रिसीव करे, 31st Jan रिसीव्ड कमीशन ₹50। कमीशन रिसीव कर रहे हो दैट मीन्स आपको इनकम हो रही है। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको कमीशन मिल रहा है दैट मीन्स कैश मिल रही है, कैश अकाउंट को करोगे डेबिट। कमीशन आपके लिए इनकम है इसलिए कमीशन अकाउंट को करोगे क्रेडिट। कितना कमीशन मिला? 50 रुपीज। तो 50 अमाउंट कॉलम में लिख दोगे, नरेशन में लिखोगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का सम्स। इसका क्वेश्चन PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए। और ये क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन देखते हुए सम सॉल्व कीजिए। नरेशन लिखना नहीं भूलना है, यहाँ पे स्पेस की कमी होने के कारण मैंने नरेशन नहीं लिखी हूँ, लेकिन हर एक ट्रांजेक्शन का नरेशन मैंने आपको ओरली ज़रूर बताई हूँ। आई होप आप लोग वो सब चीज़ ज़रूर लिखोगे। नहीं समझा है वापस रिपीट करके वीडियो देखिए। फिर भी अगर कुछ डाउट आता है स्टूडेंट्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब ये आपकी जनरल एंट्री पूरी हो जाती है तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे आपको क्लोज करना होता है। क्लोज करते समय ध्यान रखिए डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट लिखोगे वो एक लाइन में आना चाहिए, और डेबिट कॉलम की टोटल और क्रेडिट कॉलम की टोटल हमेशा इक्वल ही आती है इन द केस ऑफ जनरल एंट्री, ठीक है। अगर आपने कोई पोस्टिंग में गड़बड़ करोगे अमाउंट की तो ही वो डिफरेंट आएगी, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। आई होप आज का जो सम्स है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी गेट बेनिफिटेड थ्रू दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और एक जनरल एंट्री का सम सॉल्व करेंगे जिसमें डिफरेंट एंट्रीज। अभी इसमें जो हम लोग ने एंट्रीज देखे थे वो ज़्यादातर परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेसेस, सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, इस टाइप की एंट्रीज थी। अब इसके बाद जो हम लोग एंट्रीज सम्स करेंगे उसमें कुछ डिफरेंट एंट्रीज होगी। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय।